ग्राफ्स हम पढ़ रहे थे तो काफी सारी चीजें हमने देखी थी। स्पेसिफिकली इसमें जिस चीज को बहुत फोकस किया था वो ये किया था कि डिग्रीज निकालने पर, उसके बाद हमने हैंड शेकिंग थ्योरम पे फोकस किया था, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही हमने सारे काफी सारी चीजें देखी थी। इसके अलावा जो चीज हमने दूसरी देखी थी वो हमने देखी थी कि हम बाइपार्टाइट ग्राफ क्या होता है, और हमने साथ में ये देखा था कि बाइपार्टाइट ग्राफ कैसे बनाया जा, कैसे चेक किया जा सकता है कि ग्राफ बाइपार्टाइट है। तो अब कुछ और छोटी छोटी चीजें देख लेते हैं, जिसमें ये है कि हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के सिंपल ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं। इन ग्राफ्स को बनाना आपको आना चाहिए, इसीलिए हम पहले इस चीज को देख लेते हैं, फिर जो इसके साथ एसोसिएटेड कुछ और चीजें उनकी तरफ हम चलते हैं। तो आपके कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें पहला है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से होता है, और बनता किस तरह से है ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे बनाकर दिखा देता हूँ, ताकि आपको क्लियरली समझ आए कि ये ग्राफ जो है वो किस तरह से जो है फॉर्म हो रहे होते हैं। तो सबसे पहला ग्राफ जो आपके पास एग्जिस्ट करता है, इसे हम कहते हैं कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। कंप्लीट ग्राफ को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है विद अ सिंबल कॉल के, ठीक है। तो के एन से रिप्रेजेंट होता है, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, ठीक है। अगर मैं के वन बनाऊं तो के वन का मतलब है एक ही नोड होगा, एक ही वर्टेक्स होगा, ठीक है। के टू बनाऊं तो इसका मतलब है कि आपके पास दो वर्टिसेस होंगे। बेटा ये पढ़ा चुके हैं या नहीं पढ़ाया? बेटा नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो और कंप्लीट ग्राफ ये इसलिए कहलाता है कि आपके पास सभी नोड्स बाकी सभी नोड से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपल है तो एक ही एज एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे ये एक ही नोड था तो किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे दो नोड्स थे तो इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से के थ्री का मतलब है कि थ्री नोड्स होंगे और सारे नोड्स बाकी सब नोड से कनेक्ट होंगे, यानी इसको आप इन दोनों से कनेक्ट कर दें, ये इससे ऑलरेडी कनेक्ट है, इससे कनेक्ट कर दें, और ये भी आप सभी से कनेक्ट हो गए, ठीक है। चलें के फोर ड्रॉ करें और जल्दी से देखें कैसा बनेगा। तो पहली बात जो आपको समझ आती है वो ये है कि के फोर के अंदर चार वर्टिसेस होंगे, ठीक है। यहां तक तो बात समझ आती है। अब इसकी शेप कैसी होगी, बनाया आप लोगों ने? खाली स्क्वायर? नहीं। अब यहां पर अगर आप देखें तो आपने हर नोड को बाकी सब नोड से कनेक्ट करना है, जो हमारी एक्चुअल लॉजिक है। तो आपने इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया, इससे भी कनेक्ट कर दिया, और इससे भी कनेक्ट कर दिया, एक नोड को बाकी सब नोड से। फिर इनमें से कोई भी दूसरा नोड पकड़ लें, जैसे दिस वन, इसको इससे भी कनेक्ट कर देंगे, इससे ऑलरेडी कनेक्ट है, और आप इससे भी कनेक्ट कर, यानी हर नोड हर दूसरे नोड से कनेक्ट होगा। इसी तरह से ये बाकी सबसे ऑलरेडी कनेक्ट है तो इससे भी कनेक्ट कर दें, और ये भी सभी से कनेक्ट, ठीक है। तो अगर हम थोड़ी सी डिग्री को देखना शुरू करें तो ये के वन था, इसके अंदर हर एक नोड की डिग्री है जीरो, ठीक है, वन लेस देन द के वन। ये के टू है, इसमें हर एक नोड की डिग्री है वन, ठीक है। ये के थ्री है, इसमें हर नोड की डिग्री है टू। ये के फोर है, इसमें हर नोड की डिग्री है, तो हर नोड की डिग्री जो है वो सिमिलर होगी, ठीक है। और कितने नोड्स होंगे, जितना यहाँ पर नंबर लिखा होगा। ये के फोर है तो इसमें चार नोड्स हमने ड्रॉ किए। चलें के फाइव जल्दी से ड्रॉ करें। चलें बेटा जल्दी जल्दी से ड्रॉ करें, मुझे बताएं किस तरह की शेप आ रही है। तो पहली चीज जो मुझे समझ आती है वो ये है कि के फाइव के अंदर पांच नोड्स होंगे, और दूसरी चीज जो हमने सीखी है वो ये सीखी है कि हर नोड के डिग्री कितनी होगी, फोर। चलें जल्दी से बनाएं। तो आप कोशिश करें कि कुछ इस तरह की शेप रखें, पांच चार नोड्स बाहर की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो आपकी एक शेप डेफिनेट शेप बनेगी इसकी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ट्राई कर रहे हैं किस तरह का ग्राफ दिखेगा, जल्दी से ट्राई करें। इसकी एक एक शेप है जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी शेप में कुछ इस जैसी है। तो अगर आप इसको ड्रॉ करें तो इसका मतलब है आपने किसी भी एक नोड को पकड़ना है और सबसे ज्वाइन करना है, तो इसको भी इससे भी ज्वाइन कर दें, इसको इस वाले कर दें, और बाकी दो से भी ज्वाइन कर, ठीक है। तो ये आपने एक नोड को पकड़ा और उसको बाकी सबसे ज्वाइन कर दिया, फिर किसी भी और नोड को पकड़े और उसको भी बाकी सबसे ज्वाइन कर दें, लेकिन जिससे वो ज्वाइन हुआ है उससे आपने दोबारा ज्वाइन नहीं करना। तो ये इससे ऑलरेडी है, इसके साथ कनेक्ट कर दें, इसके साथ कनेक्ट कर दें, और इसके साथ कनेक्ट कर दें। अब ये इन दोनों से ऑलरेडी है तो बाकी दो से भी कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये बाकी सबसे ऑलरेडी है, ये इससे कनेक्ट कर दें, और ये बाकी सबसे कनेक्ट है, तो उसकी शेप कुछ स्टार और उसके गिर्द एक आउटलाइन जैसी होगी। तो ये के फाइव है। अगर आप हर एक की डिग्री निकालें तो हर एक नोड की डिग्री जो है वो आपके पास फोर है, ठीक है। तो ये कहलाता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ होने का मतलब ये है कि आपके सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगे। अब आप थोड़ा सा रिकॉल करें, हमने टोपोलॉजीज पढ़ी होंगी आई गेस इंटर में, तो मैक्सिमम पढ़ी ही होंगी। तो मुझे बताइए ये किस टोपोलॉजी जैसा है?
तो ये आपके पास मैश टोपोलॉजी जैसा, ठीक है, जिसमें आपके पास हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये ग्राफ कहलाता है कंप्लीट ग्राफ। बेटा मैं ऑन कैंपस क्लास ले रही हूँ, आपकी क्लास के अंदर मौजूद हूँ। जी बेटा फरूख अजीज जल्दी से सवाल पूछ लें। मैम K1 तो फिर कंप्लीट ग्राफ नहीं होगा। बेटा वो वन वर्टेक्स के साथ कंप्लीट ग्राफ है, उसमें वर्टेक्स एक से ज्यादा था ही नहीं, इसलिए वो वन वर्टेक्स के साथ कंप्लीट ग्राफ है। इसी तरह से हम बना सकते हैं साइकिल ग्राफ, ठीक है। साइकिल ग्राफ भी आपके पास एक स्पेशल टाइप का ग्राफ है, ये रिप्रेजेंट होता है विद सी एन, ठीक है, और यहाँ पे एन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होता है। 2 क्यों नहीं हो सकता या 1 क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन ये है कि विद लेस देन 3 वर्टिसेस आपका सर्कल फॉर्म ही नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए 3 वर्टिसेस हमें मिनिमम चाहिए टू फॉर्म अ सर्कल। तो अगर आप C3 बनाते हैं तो इसका मतलब है 3 वर्टिसेस हैं और ये आपके पास आउटर साइकिल में कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये आपके पास C3 है। इस तरह से अगर आप C4 बनाएंगे तो इसका मतलब है 4 वर्टिसेस हैं और ये चारों आउटर बाउंड्री में कनेक्ट है, ठीक है, तो अंदर क्रॉस नहीं कर रहे, सिर्फ आउटर बाउंड्री में कनेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप C5 बनाए तो इसका मतलब है 5 वर्टिसेस हैं और ये सारे आउटर बाउंड्री में कनेक्ट है। समझ आती है आपको ये सारी बात? तो ये हमने सारे C4, C3, C4, C5 और इस तरह से C6 भी बन सकता है। अब इसके अंदर डिग्री किस तरह से होती है, इसमें आप कोई भी ग्राफ बनाए उसमें हर एक नोड की डिग्री जो है वो 2 होगी, कोई भी ग्राफ बना रहा है, ठीक है, C8, C100 कोई भी, हर एक की डिग्री कितनी होगी 2। बात समझ आती है ना, क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ 2 से कनेक्ट होना है। अच्छा, इसी तरह से एक और ग्राफ स्पेशल एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं, अच्छा ये किस किस टोपोलॉजी जैसा है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो रिंग टोपोलॉजी जैसा है, बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो ये रिंग टोपोलॉजी जैसा है। अच्छा, अगली एक टोपोलॉजी, एक स्पेशल ग्राफ देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं व्हील ग्राफ, ठीक है। व्हील ग्राफ को W से रिप्रेजेंट किया जाता है, W बेस N से, और यहां पर भी N जो है ना वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता है। अब ये W ग्राफ बनता कैसे है जिसे हम व्हील ग्राफ कहते हैं, अगर आप W3 बनाए ना तो एक्चुअली वो C3 से बन रहा होता है। W3 का मतलब है 4 वर्टिसेस, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो C3 का मतलब था 3 वर्टिसेस, K4 का मतलब था 4 वर्टिसेस, लेकिन W3 का मतलब है 4 वर्टिसेस, ठीक है, 3 आउटर जो C3 के हैं और एक इनर, ठीक है, तो ये आप जो इनर वर्टेक्स लगाएंगे उसको आप सभी वर्टिसेस से कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास W3 ग्राफ है, ठीक है। अब डिग्री किस तरह से है, बाहर वाले वर्टेक्स की डिग्री होगी 3, कोई भी आप W ग्राफ बना ले, हर आउटर वर्टेक्स की डिग्री होगी 3 और इनर वर्टेक्स की डिग्री होगी इसका काउंट 3। W4 बना के देखते हैं तो फिर थोड़ा सा समझ आएगा। तो W4 का मतलब है एक और वर्टेक्स बीच में लगाएं और इसको बाहर वाले सभी से कनेक्ट कर दें, तो इससे भी कनेक्ट कर दें, इससे भी कनेक्ट कर दें, इससे भी कनेक्ट कर दें और इससे भी। तो अगर हम डिग्री देखें, हर आउटर वर्टेक्स की डिग्री कितनी है 3 और इनर वर्टेक्स की डिग्री होगी इतनी, कितनी 4। चले W5 बनाए जल्दी से। तो W5 जो है वो व्हील जैसी शेप भी देगा, ऐसा ही है। तो अगर आप यहाँ पे एक इनर वर्टेक्स लगा लें और इसको सबसे कनेक्ट कर दें तो आप देखेंगे कि जी ये W5 है और ये एक व्हील जैसी शेप भी देगा, अगर आप इसको अच्छी ड्राइंग में बनाएंगे तो, मेरे जैसी नहीं। आउटर वर्टेक्स की डिग्री हमेशा 3 होगी व्हील में और इनर की डिग्री जो है वो जो आपका W जितना आप बना रहे हैं उतनी होगी, जैसे इसकी डिग्री है 5। चलिए अब ये बताएं ये किस टोपोलॉजी जैसा है, तो ये किसी एक टोपोलॉजी के साथ नहीं है, ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है और इसमें 2 टोपोलॉजीज इस्तेमाल हो रही है। पहली बात, ये हाइब्रिड है और दूसरी इसमें कौन कौन सी है, पहली इसमें रिंग है जो आपके पास साइकिल में थी, प्लस इसके अंदर जो है वो आपके पास स्टार टोपोलॉजी है। स्टार में क्या होता है, एक मिडल नोड होता है, मिडल हब लगा होता है जिससे सभी कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो ये आपके पास एक तरह से रिंग और स्टार की हाइब्रिड अप्रोच है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। यहाँ तक किसी का भी सवाल है तो क्विकली पूछ लें। देख लिया था कलर करें, 2 कलर है और आपको पता चल जाता है ग्राफ बाइपार्टाइट है या नहीं, तो अगर आप इसको टेस्ट करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये वाला ग्राफ बाइपार्टाइट है और ये वाला ग्राफ बाइपार्टाइट नहीं है, नीचे सॉल्यूशन गिवन है इसका, ठीक है। अच्छा, ये एक ग्राफ एग्जिस्ट करता है जिसे हम कहते हैं कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ। कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ किस तरह से बनता है, लेट्स से अगर मैं आपसे कहती हूँ K2, 3 ड्रॉ करें, ठीक है। K2, 3 का मतलब ये है कि एक तरफ 2 वर्टिसेस होंगे और दूसरी तरफ आपके पास 3 वर्टिसेस होंगे,
और आपके पास अगर आप बायपार्टाइट ग्राफ को थोड़ा रिकॉल करें तो हमने कहा था बायपार्टाइट ग्राफ का मतलब ये है कि आपके पास वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड नहीं होते, सिर्फ अक्रॉस कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर भी आपने क्या करना है, टू वाले वर्टिसेस को ये थ्री वाले सभी वर्टिसेस से कनेक्ट कर देना है, इस तरह अपने वाले सेट से कनेक्ट नहीं करना, सिर्फ अक्रॉस करना है। इसी तरह से आप इस नोड को भी दूसरे सभी नोड्स के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये आपके पास के 2.3 बन गया है। इन वर्टिसेस की डिग्री जो दो है, इनकी डिग्री होगी थ्री, और ये वाले नोड्स की डिग्री जहां पे ये थ्री नोड्स हैं इन सब की डिग्री होगी टू। ठीक है, बात समझ आती है। चले आप बनाए के 3.4 और आपने एक और बनाना है दैट इज के 1.4। ड्रॉ करें फिर मैं भी आप एक तरफ मैं थ्री वर्टिसेस ड्रॉ करूंगी, मैं इस तरफ फोर वर्टिसेस भी ड्रॉ कर सकती हूँ, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, और दूसरी तरफ मैं ड्रॉ करूंगी फोर वर्टिसेस। ठीक है, इसी तरह से वन और फोर के अगेंस्ट यहाँ पे मैं वन और इस तरफ मैं फोर वर्टिसेस जो है वो ड्रॉ करूंगी। और क्या करना है जी, सिंपल लॉजिक है, आपने अक्रॉस कनेक्ट करना है, तो ये थ्री वाले को सिर्फ नीचे वाले फोर से कनेक्ट करना है, आपस में कनेक्ट नहीं करना। तो ये इसको हमने सबसे कनेक्ट कर दिया, इसको आप सबसे कनेक्ट कर देंगे, और इसी तरह से लास्ट वाले नोड को भी आप सबसे कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास के 3.4 बन जाएगा, जिसमें आपके पास थ्री वाले नोड्स हैं वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, और इसी तरह से फोर वाले नोड्स भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ अक्रॉस कनेक्टेड है। ठीक है, डिग्री देखें तो इन सब नोड्स की डिग्री है फोर, जो कि थ्री इन काउंट थे, और इन सब की डिग्री है थ्री। ठीक है, जो फोर इन काउंट थे। के 1.4 कैसे बनेगा, एक तरफ एक नोड बनेगा, एक तरफ चार नोड्स, और आप इनको आपस में ऐसे कनेक्ट कर देंगे, तो ये आपके पास के 1.4 है। जी बेटा, इनका सवाल है, ठीक है, ये ग्राफ किस जैसा होता है, तो अगर आप इसको के 1.n को देखें, जैसे जैसे के 1.4 है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लूं, ये मेरा ये इधर है और बाकी चार नोड्स मेरे इधर है, तो ये आप देखेंगे ये किस टोपोलॉजी जैसे, स्टार टोपोलॉजी जैसे। ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रल हब है और बाहर की तरफ कंप्यूटर है, तो के 1.n जो है वो आपके पास स्टार टोपोलॉजी जैसा होता है। तो ये सारी डिटेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी मेंशन है इसके अंदर आगे की तरफ, ये स्टार्टअप जी है, हाइब्रिड है, क्या सिनेरियो है, और ये हमने जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे जो चीजें की बने वो मैं आपको क्विकली बता देती हूँ, ताकि अगर आप इसको पढ़ें, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, तो आपको समझ आए कि क्या करना है। सबसे पहला वाला सवाल ये कहा गया है कि ये चेक करें कि क्या ये ग्राफ बनाएं, ठीक है, ये ग्राफ किस तरह से बनेगा। यहाँ देखें तो आपको बताया गया कि V1, V2, V3 और V4 वर्टिसेस हैं, तो आपने इसी तरह से चार वर्टिसेस बना लेने हैं और हर वर्टेक्स को एक नाम दे देना है, ये V1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ एजेस लिखे हुए हैं, तो ये कहा गया है V1 से V2 के दरमियान एक एज एग्जिस्ट कर रही है, इसका ये मतलब है। ठीक है, अगर आप देखें V2 और V3 के दरमियान एक एज एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है ये, बाकी बन जाएगा ना। ठीक है, और आगे ये पूछा हुआ है डिग्री बताएं हर वर्टेक्स की जो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे ये पूछा गया है क्या ये ग्राफ बायपार्टाइट है या नहीं, ये ऑलरेडी मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। और लास्ट आपसे ये पूछा गया है कि आप ये चेक करें क्या C6 बायपार्टाइट है या नहीं। पहले इसका मतलब है कि आपने C6 ड्रॉ करना है, साइकिल ग्राफ विद 6 वर्टिसेस। फिर ये चेक करना है कि क्या वो C6 बायपार्टाइट है या नहीं। ठीक है, तो अगर आपको स्पेसिफिकली डायरेक्टली दे दिया जाता है कि लेट्स से बताएं K4 बायपार्टाइट है या नहीं, तो इसका मतलब है K4 बनाना और उसको चेक करना दोनों आपका काम। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। चले जी आगे, दूसरे जैसे मैं C5 बना दूं, C6 आप खुद टेस्ट कीजिएगा। तो ये C5 है आपके सामने, पांच वर्टिसेस हैं। ठीक है, मैं हर एक को नाम भी देती हूँ, ये 1 वर्टेक्स है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब मैं ये चेक करने लगी हूँ क्या ये बायपार्टाइट है या नहीं। बायपार्टाइट होने के लिए जरूरी है कि मैं दो रंगों से इसको पूरे को रंग सकूं और कोई भी सेम कलर वाले आपस में कनेक्टेड ना हो। तो लेट्स से आई स्टार्ट विद दिस कलर, मैंने इसको ये कलर कर दिया। अब इससे जो एडजेसेंट है मैंने उनको एक ऑपोजिट कलर करना है, तो वो ऑपोजिट कलर लेट्स से ब्लू है, मैंने इसको भी ये कलर कर दिया और इसको भी ये कलर कर दिया, यहाँ तक कलर हो गया। अब मैं किसी भी ब्लू कलर वाले को पकड़ूंगी और उससे एडजेसेंट को वापस से रेड कलर कर दूंगी, तो मैं इससे एडजेसेंट को वापस से रेड कलर कर देती। ठीक है, अब ये मेरा एक नोड बचा है, ये रेड के साथ कनेक्टेड है, तो मैं इसको कौन सा कलर कर सकती हूँ, मैं इसको वापस से ब्लू कलर कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आप देख रहे हैं कि बाकी सारा ग्राफ कलर तो हो गया, लेकिन सेम कलर वाले आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये अलाउड नहीं है।
तो C5 बाइपार्टाइट नहीं है, ठीक है, C6 का मुझे नहीं पता लेकिन C5 बाइपार्टाइट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्राफ के अंदर तीन तरह की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पहली चीज होती है जिसे हम कहते हैं पाथ, ठीक है, दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं सर्किट, और तीसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं ट्रेल या सिंपल। अब ये सारी चीजों का मतलब क्या है हम एक क्विक गो में समझते हैं और अपने सीधे सीधे कंटेंट पे चलते हैं, तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाती, मेजर मेजर हेड्स को कवर करते हैं। तो अगर आप ये ग्राफ देखें और मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे बताएं स्टूडेंट्स, क्या ए से एफ तक एक पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ क्या ए से एफ तक एक पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब पाथ होने का मतलब क्या है, पाथ होने का मतलब है कि आप किसी भी एजेस और किसी भी नोड्स को विजिट करते हुए एफ तक पहुंच जाए, ठीक है, मतलब समझ आता है, इसका मतलब सिंपल ये है कि आप ए से एफ तक किसी ना किसी तरह पहुंच जाए। तो अगर आप यहां देखें तो ये ए से आप बी पर गए, बी से आप सी पर गए और सी से आप एफ, तो एक पॉसिबल पाथ तो ये है, लेकिन इसी तरह से देखें तो बहुत सारे और पाथ भी हैं, आप ए से डी से ई से एफ चले जाएं, ए से बी डी और फिर यू घूम घूम के चले जाएं, तो इट्स पॉसिबल कि आप किसी भी तरह से जा सकते हैं, लेकिन एक पॉसिबल पाथ मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया और यहाँ पे आपको पता चलता है कि ए से एफ तक यस पाथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है, बात समझ आती है यहाँ तक। अब ये देखते हैं कि इस पाथ की लेंथ क्या है, अब पाथ की चीज जिसे हम कहते हैं लेंथ, अब पाथ की लेंथ ये होती है कि कितने एजेस कवर करते हुए आप दूसरे नोड तक पहुंचे, कितने एजेस आपने कवर किए। तो अगर आप यहां देखें तो आपने ये एक एज कवर किया, ये दूसरा एज कवर किया और ये आपने तीसरा एज कवर किया, तो इस पाथ की लेंथ क्या है, पहले सिंपल के बगैर देखें तो ये कहा गया है क्या ए डी सी एफ ई एक पाथ है, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि क्या ये पाथ है तो इसका मतलब है कि आपने इसको ट्रावर्स करना है, और अगर आप इस पूरे इस प्रोसेस से ई तक पहुंच गए तो इसका मतलब है कि ये पाथ है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप गए ए से डी, डी से सी, सी से एफ और एफ से ई, बिल्कुल ये एक पाथ है, क्योंकि आपके पास ये पूरा पाथ इसके ग्राफ के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इस पाथ की लेंथ देखें तो क्या लेंथ है बेटा, कितने एजेस हमने कवर किए, हमने 4 एजेस कवर किए, ये 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4, तो इसकी लेंथ जो है वो कितनी है, 4, ठीक है, बात यहां तक समझ आती है। चलें नीचे वाला चेक करें, क्या ये पाथ है जो लिखा हुआ है डी ई सी ए, मैं इरेज कर रही हूं ताकि आप इसके ऊपर आसानी से ट्रावर्स करके देख सके। तो अगर आप यहां देखें तो ये पाथ नहीं है, तो अगर मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊं ना, तो अगर आप लिखा हुआ डी से ई जाएं, डी से ई चली गई, फिर कहा हुआ है ई से सी जाएं, ई से सी जाने का कोई डायरेक्ट वे मौजूद नहीं है, इसलिए ये पाथ नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एक एज होता तो मैं जरूर उसके ऊपर डायरेक्टली विजिट कर लेती, ठीक है क्लास, ये बात समझ आती है। चले अगला देखते हैं जिसको कहा जाता है सर्किट, यहां तक बात समझ आ रही है ना, पाथ क्या होता है। सर्किट का मतलब ये है कि आप जिस नोड से शुरू करें उसी पे आकर स्टॉप करें, ठीक है, इसको हम क्लोज्ड वॉक भी कहते हैं, आप जिधर से शुरू हुए वहीं घूमते घुमाते वापस आ गए। तो चेक करें क्या ये पहला वाला सर्किट है, जो इसके ऊपर ट्रेवर्स करें और देखें क्या जहां से आपने शुरू किया था वहीं पहुंच जाते हैं या नहीं। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा हुआ बी से सी जाएं, चलेंगे बी से सी चले गए, फिर कहा हुआ है सी से एफ जाएं, सी से एफ भी आ गए, फिर कहा हुआ है एफ से ई जाएं, एफ से ई भी आ गए, फिर कहा है ई से बी जाएं। तो अगर आप देखें आपने यहीं से शुरू किया था और यहीं पर आके आप एंड हो गए, तो इसका मतलब है ये सर्किट है। तो सर्किट होने के लिए क्या चीज जरूरी है कि आप जहां से शुरू हो वहीं पर ही आके एंड हो, तो इसका आंसर है यस। अब हम इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं, और लेंथ का हमेशा क्या मतलब है, कितने एजेस कवर किए हैं, तो बताएं कितने एजेस कवर किए हैं। तो आप देखें तो 1, 2, 3 और 4 एजेस कवर किए हैं, तो इस सर्किट की लेंथ क्या है, इस सर्किट की लेंथ है 4, बात समझ आ रही है। चले नेक्स्ट वन देखें, क्या ये एक सर्किट है,
तो अगर आप इसको देखने की तरफ चलें तो वापस है, ये ट्रावर्स करना है, ए से बी जाएं, चलें जी ए से बी, बी से एफ जाएं, बी से एफ, एफ से ई जाएं, एफ से ई, और ई से डी चल जाएं। तो अगर आप देखें ये पाथ तो है लेकिन सर्किट नहीं है, सर्किट ये तब होता है जब ये ए पर ही आके एंड होता, ठीक है, तो इसका आंसर है नो। चले अब देखते हैं अगली टर्म जो लिखी हुई है, जो कह रही है सिंपल। अब सिंपल क्या होता है, या जिसको हम ट्रेल भी कहते हैं, ठीक है, ट्रेल ये होता है कि आप पहली चीज जिस भी एज को कवर किया हो आपने एक बार, उसको दोबारा विजिट ना करें। जिस भी एज को आपने वंस विजिट कर लिया है उसको दोबारा विजिट ना करें, ठीक है। जैसे अगर हम ये देखें क्या ये एक सिंपल है या नहीं, इसका मतलब है कि जिस भी मैं एज को वंस विजिट करूं उसको दोबारा विजिट ना करूं। तो मैं अगर इसको ड्रॉ करूं तो लिखा हुआ ए से बी जाएं, बी से ई जाएं, ई से वापस डी पर जाएं, डी से ए पर जाएं और ए से बी पर जाएं। अब यहां पर देखिए अगर आप ए से बी पर जाते हैं तो इस एज को आप दूसरी बार कवर करते हैं, लेकिन सिंपल होने के लिए या ट्रेल होने के लिए ये मस्ट है कि आप जिस एज को वंस विजिट कर लें उसको दोबारा विजिट ना करें। तो इसका मतलब है ये सिंपल नहीं है। बात समझ आती है, सिंपल का ये मतलब है कि जिस जगह से आप शुरू हो, सॉरी जो आपका पूरा पाथ है। अब दो चीजें सिंपल हो सकती हैं, सिंपल पाथ भी हो सकता है और सिंपल सर्किट भी हो सकता है। सिंपल पाथ का मतलब ये है कि आप पूरा जो विजिट करें उसमें किसी भी एज को दो बार विजिट ना करें, ठीक है। और सर्किट के लिए भी यही है कि अगर आप घूमते घुमाते उस नोड तक वापस आ भी गए हैं तो किसी भी नोड को, किसी भी एज को आपने दूसरी बार कवर ना किया हो, यानी जिस रास्ते पे, जिस पाथ पर आप वंस टाइम चल गए उस पर दोबारा नहीं आप जाना, ठीक है। तो फर्स्ट वन तो नहीं है, चेक करें क्या सेकंड वन सिंपल है। तो अगर हम इसको क्लियर करके देखें क्या ये सेकंड वन आपके पास है या नहीं, तो इसका मतलब है हमने जाना है बी से एफ, तो हम बी से एफ आ गए, फिर जाना है एफ से सी, एफ से सी, सी से डी, सी से डी, डी से ए और ए से बी। तो अगर आप देखें तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है हमने किसी एज को, लाइन को दो बार विजिट किया हो, ऐसा है नहीं। तो इसका मतलब है कि ये सिंपल है। फिर अगर आप यहां से देखें तो आपने इस पॉइंट से शुरू किया था और आप इसी पॉइंट पर आके एंड हुए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये सिंपल सर्किट है। कह सकते हैं कि ये सिंपल सर्किट है क्योंकि आपने जहां से शुरू किया था वहीं पर आकर एंड हुए हैं और आपने किसी भी एज को एक से ज्यादा बार कवर नहीं किया, ठीक है जी। क्लास की बात समझ आ रही है। तो ये तीन टर्म्स थी जो हमने यहां से पढ़नी थी कि आपके पास क्या होता है सिंपल, क्या होता है सर्किट और क्या होता है सिंपल। तो अगर हम ये पहले वाले सवाल को दोबारा से देख लेंगे क्या ये पाथ सिंपल है या नहीं, तो दोबारा से ड्रॉ करके देखते हैं। तो ए से डी पर जाएं, डी से सी पर जाएं, सी से एफ पर जाएं और एफ से ई पर। तो अगर आप देखें तो ये सिंपल पाथ है, हमने किसी भी एज को एक से ज्यादा बार कवर नहीं किया, ठीक है क्लास। तो ये कुछ इस तरह से आपकी चीजें हैं। अब अगर आप देखें तो हमने एक जो चीज आगे पढ़नी है, ये सारा पार्ट मैं आपकी स्लाइड में से निकाल दूंगी, वो है आइलर एमन एंड हैमिल्टोनियन पाथ। ये दो तरह के पाथ्स हैं जो आपके पास ग्राफ में एग्जिस्ट करते हैं और बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं। अब आइलर पाथ क्या होता है, हैमिल्टोनियन पाथ क्या होता है, ये मैं आपको समझाती हूँ। पाथ की बात तो समझ आती है, पाथ का मतलब है रास्ता और सर्किट का मतलब है जहां से शुरू हो वहीं आके एंड हो, ठीक है। अब आइलर पाथ क्या होता है, आइलर पाथ का मतलब ये है, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो बचपन में आप गेम खेलते थे, एक पॉइंट से शुरू हो, आपने पेंसिल नहीं उठानी, पूरे डायग्राम के ऊपर दोबारा रीड्रॉ करना, लेकिन आपने किसी भी लाइन को दूसरी बार विजिट भी नहीं करना। तो ये बिल्कुल वही सिनेरियो है, ठीक है। जैसे अगर आप देखें क्या ये आइलर पाथ है या नहीं, इसका मतलब है कि किसी भी एक जगह से शुरू करना है, आपने पूरा ग्राफ विजिट करना है लेकिन किसी लाइन को भी दोबारा रिपीट नहीं करना और किसी लाइन के ऊपर और सभी को विजिट भी करना, यानी पूरी ड्राइंग दोबारा बनानी है। तो अगर मैं यहां से शुरू करूं तो इसका मतलब है मैं यहां पे गई, मैं यहाँ गए, यहाँ 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 और ये, मैंने पूरा ग्राफ विजिट कर लिया, मैंने किसी एज को दो बार रिपीट नहीं किया, इसका मतलब है ये क्या है, ये आइलर पाथ है। तो बताती है किस तरह से, अब एक पॉइंट से शुरू हो, अब ये हो सकता है कि आपको हिट एंड ट्राई करनी पड़े क्योंकि ये ग्राफ तो बहुत सिंपल था तो यहाँ पे हमने फौरन से ढूंढ लिया, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ हो तो फिर आपको मल्टीपल नोड से ट्राई करना पड़ेगा कि क्या आप पूरा ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं या नहीं। तो हमने कैसे सीखा कि ये पाथ है, हमने एक नोड से शुरू हुए और हमने पूरा ग्राफ दोबारा से बना लिया, ना पेंसिल उठाई ना किसी एज को रिपीट किया, पेंसिल तो उठा सकते लेकिन एज नहीं रिपीट कर, ठीक है।
अच्छा, अब अगर हम इस वाले देखें क्या ये आयलर सर्किट है या नहीं, टर्मिनोलॉजी वही है, सारा ग्राफ विजिट करना है, सारी एजेस को विजिट करना है, लेकिन आपने किसी भी एज को एक से ज्यादा बार विजिट नहीं करना, ठीक है। जैसे अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूं तो मैं इधर गई, इधर 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 और इधर, मैंने जीरो से शुरू किया था और मैं जीरो पर ही वापस आ गई, मैंने किसी एज को रिपीट नहीं किया, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ मेरे पास आयलर सर्किट है। बात समझ आ रही है किस तरह से? चले कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं ना, हम फौरन फौरन से समझ पाएंगे। तो जी वन देखते हैं, क्या जी वन में आयलर पाथ या आयलर सर्किट है या नहीं। चले बेटा जल्दी से चेक करें, क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक पॉइंट से शुरू और वापस घूमते घुमाते पूरे ग्राफ को विजिट करते उसी पॉइंट पर वापस आ जाएं? तो हमने डिसाइड भी करना है आपने कहां से शुरू किया है इसमें। तो अगर आप यहां से देखें, अगर आप ई से शुरू करते हैं जैसे, तो ई से आप गए सी पर, सी से डी पर, ई से वापस ई पर, ई से बी पर, बी से ए पर और वापस ई पर। तो आपने ई से शुरू किया था, अब ई पर आकर एंड हो गए हैं। इसका मतलब है कि इस ग्राफ में क्या है, इसमें सर्किट मौजूद है, आयलर सर्किट, ठीक है जी। इसमें आयलर पाथ नहीं है, क्योंकि अगर आप क्योंकि जहां से आप शुरू हो रहे हैं वहीं पर ही आप हमेशा आके एंड हो, ठीक है। तो सर्किट है, पाथ नहीं है। चलें जी टू चेक करें, क्या इसमें सर्किट या पाथ है। हम इसमें देख लेते हैं, इसमें पाथ नहीं था, इसमें सर्किट यस था। चलो इसमें देखें पाथ है या सर्किट है। तो अब ये ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने इसके ऊपर मल्टीपल अटेम्प्ट ट्राई करनी है। सर्किट है, सारे एजेस कवर होने चाहिए, सारे। तो अगर मैं ए से स्टार्ट करती हूँ, तो मैं ए से बी पर गई, बी से सी पर, सी से ई पर, ई से बी पर, बी से ए पर, तो मेरे पास काफी सारे वर्टिसेस जो हैं वो एजेस जो हैं वो स्किप हो गए। दोबारा से ट्राई करते हैं। तो लेट्स से मैं अब ई से स्टार्ट करती हूँ, ई से गई सी पर, बी पर, यहां आ गई, यहां, और मैं वापस से स्टक हो गई, वापस से मेरे दो एजेस छूट गए, ठीक है। इसका मतलब है मुझे और बार बार ट्राई करना चाहिए। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा थ्योरम होना चाहिए? जी बेटा क्या कह रहे हैं? डबल लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते बेटा? वही तो मतलब, डबल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, डबल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रही कि क्या इसमें पाथ है या सर्किट है। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल होने चाहिए कि मैं फौरन से टेस्ट करूं और मैं चेक कर सकूं कि क्या पाथ है या नहीं, क्या सर्किट है या नहीं। तो मैं पहले आपको डायरेक्टली वो हार्ड एंड फास्ट रूल की तरफ चले लेके चलते हैं, फिर हम उसके बाद आके देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, और फिर क्राइटेरिया चेक करेंगे और फिर चेक करेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो ये आपके पास दो थ्योरम एग्जिस्ट करते हैं जिनकी मदद से आप बहुत जल्दी टेस्ट कर सकते हैं कि एक ग्राफ के अंदर पाथ या सर्किट मौजूद है या नहीं। अब ये थ्योरम कुछ इस तरह से कहते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप देखते हैं फॉर सर्किट, आयलर सर्किट, ठीक है, तो कहते हैं अगर हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होगी, सिर्फ और सिर्फ उस केस में सर्किट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये फिक्स्ड है, ये हमेशा ऐसा होगा, प्रूफ्ड है ये चीज। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि एक ग्राफ में आयलर सर्किट है या नहीं, तो आप सिर्फ ये देख लें कि क्या पूरे ग्राफ की वर्टिसेस की डिग्री इवन है, यानी हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है या नहीं। अगर ऐसा होगा तो मस्ट है, फॉर श्योर है कि उसमें सर्किट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सेकेंड थ्योरम जो है वो पाथ के हवाले से है। पाथ की बात करें, सर्किट की बात नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि अगर आपके ग्राफ के अंदर एग्जैक्टली दो वर्टिसेस हों और डिग्री वाले, एग्जैक्टली दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, अगर सिर्फ और सिर्फ दो वर्टिसेस हों जिनकी डिग्री ऑड होगी, तब और सिर्फ तब आपके ग्राफ में पाथ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है क्लास? चले इसमें देखते हैं कि क्या सिनेरियो है। तो अगर आप इसे पहले वाले में देखें और ये चेक करने की तरफ चलें, तो फिर हम बेहतर तरीके से समझ पाते हैं कि क्या इसमें ग्राफ और पाथ एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो अगर मैं जी वन की तरफ चलूं, मैं दोनों थ्योरम इधर लिस्ट कर देती हूँ, फिर जिनके सवाल है उनकी तरफ चलते हैं। तो पाथ के लिए क्या है? दो ऑड वर्टिसेस, ठीक है, एग्जैक्टली वो मैंने आपको बता दी, यहाँ लिखने दी। और सर्किट के लिए क्या है? ऑल इवन, ऐसा ही है, ये दो हमारे पास कंडीशन। इसको चेक करते हैं, इसमें अगर आप देखें तो इसकी डिग्री भी टू 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 और इसकी डिग्री फोर, ऑल इवन। और आपने देखा था कि इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा था सर्किट, ऐसा ही था ना,
तो अगर आपने यहाँ से शुरू किया था तो आप घूमते घुमाते किसी भी एज को दोबारा रिपीट किए इस तक पहुंच गए थे। तो इसमें सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है, पाथ नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि थ्योरम भी उससे वैलिडेट नहीं करता। अगर आप सेकंड की तरफ चलें तो हम इसको टेस्ट करते हैं। तो इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है 3 और इसकी डिग्री भी है 3 और ये बीच वाले की है 4। अगर आप देखें तो पाथ होने के लिए जरूरी था कि आपके पास 2 ऑड वर्टिसेस होते, सिर्फ और सिर्फ 2, लेकिन यहाँ पर 4 ऑड वर्टिसेस है, तो इसका मतलब है पाथ तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, आप डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, थ्योरम भी स्टेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या सर्किट एग्जिस्ट करता है, तो सर्किट के लिए क्या जरूरी था, ऑल इवन, क्या ऑल इवन है, नो, तो इसका मतलब है सर्किट भी एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड वन टेस्ट करें, क्या पाथ है, क्या सर्किट है, चलें जल्दी से टेस्ट करते हैं थर्ड वन में क्या एग्जिस्ट कर रहा है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट जल्दी से देखें क्या एग्जिस्ट कर रहा है, जिनके सवाल है वो मीनवाइल पूछ लें। तो अगर मैं इसको टेस्ट करूं तो इसका मतलब है कि मुझे इसको काउंट करना है इसकी हर एक की डिग्री। तो इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री है आपके पास 3, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री 1, 2, 3, 4 और इसकी डिग्री है 2। तो मुझे जो चीज डायरेक्टली दिख रही है वो ये दिख रही है कि पाथ एग्जिस्ट करेगा और सर्किट तो हरगिज नहीं एग्जिस्ट करने वाला। सर्किट के लिए क्या था, ऑल इवन, लेकिन इन दो की ऑड है तो सर्किट तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। अब मैं देखूं तो कहा गया था एग्जैक्टली 2 वर्टिसेस की डिग्री ऑड होनी चाहिए और मेरे पास ऐसा ही है तो पाथ एग्जिस्ट करेगा। अब मैं चेक करती हूँ वो पाथ है कैसे, तो लेट्स से मैं ए से ही शुरू करती हूँ। तो मैं ए से गई सी पर, सी से गई डी पर, डी से गई ए पर, ए से गई बी पर, बी से आई डी पर, डी से गई ई पर और ई से गई वापस बी पर। तो अब देखें मैंने पूरा का पूरा ग्राफ रीड्रॉ कर लिया है और मैंने ऐसा कहीं भी नहीं किया कि मैंने एक एच को दो बार विजिट किया हो। ठीक है, इसके अलावा भी कोई पाथ एग्जिस्ट कर सकता है, यानी आप सीधा सीधा एक कोने से चले फिर घूमते घुमाते वापस पहुंच जाए। ठीक है, तो विजिट सारा ग्राफ होना चाहिए, बात सिर्फ इतनी है, हर एज एक बार और विजिट पूरा ग्राफ। ठीक है क्लास, यहाँ तक बात समझ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात समझ आ गई सारी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये सारी चीजें गिवन है, कौन सा पाथ है, कौन सा सर्किट है। जी बेटा जल्दी से बताएं। मैम अगर थ्योरम के बेस पे हमें जज कर लें कि पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो ड्रा करके बताना जरूरी है, बस उसी तरह ही बता दें। अच्छा मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको पाथ लिखना भी आना चाहिए ना, जैसे अगर आप कहते हैं कि यस इसके अंदर जो है पाथ एग्जिस्ट कर रहा है तो पाथ निकालें भी तो सही ना। अब जैसे मैं इसके अंदर निकालती हूँ तो मैं ए से स्टार्ट किया, ए से सी पर गई, सी से डी पर, डी से ई पर, ई से बी पर, फिर मैं इस तरह से गई, फिर मैं इस तरह से गई और फिर मैं इस तरह से गई। ठीक है, तो मुझे ये लिखना भी आना चाहिए कि मैंने कहाँ से क्या गई थी। तो मैं गई ए से सी पर, सी से डी पर, डी से ई पर, फिर ई से मैं वापस गई बी पर, हमने एक्चुअली में कौन सा पाथ फॉलो किया था या कौन सा सर्किट कैसे है ये। ठीक है, तो आपको लिखना आना चाहिए, तो ये भी बताना है या नहीं और फिर अगर है तो कौन सा वाला है उसको स्टेट करें। तो एक से ज्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आगे कुछ और ट्राई किया था और अब मैंने बिल्कुल एक डिफरेंट लिखा, तो दोनों चीजें लिखनी है, कोशिश करें। जी बेटा आपको ये पाथ लिखना आना चाहिए। ठीक है, ये कुछ और एग्जांपल्स हैं और यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी गिवन है, अगर आप इसको कभी पढ़ेंगे तो ये हर चीज बताई है कि है या नहीं है और रीजन। ये दूसरी तरह का पाथ एग्जिस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं हैमिल्टोनियन पाथ। ठीक है, हैमिल्टोनियन पाथ में क्या फर्क है, अब दोनों में जरा अगर हम फर्क देखें तो आपके पास आयलर ये कहता है कि हर एज कवर होना चाहिए, हर लाइन कवर होनी चाहिए। ठीक है, हैमिल्टोनियन उस लिहाज से थोड़ा जो है वो हल्का है, वो कहता है कि सिर्फ वर्टिसेस विजिट कर, सिर्फ वर्टिसेस। ठीक है, ये वो वाला जो ग्राफ था अभी जो हम पहले देख रहे थे वो कहते हैं हर चीज पूरी की पूरी क्योंकि इसके अंदर हैमिल्टोनियन सर्किट है या नहीं, तो इसका मतलब है हर एज। उसके बाद में यहां गई
यहाँ पर जरूरी है कि वर्टिसेस सारे के सारे ये बेटा है वो आपको माइक की आवाज एयरफोन से घूम घूम जा रही है क्योंकि थोड़ी सी क्लियर होगी आपकी आवाज। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यूनियन पाथ एग्जिस्ट कर रहे क्या इसमें हमने यूनियन सर्किट एग्जिस्ट कर रहा है जी स्टूडेंट्स इंटरनेट का कुछ इशू हो गया था इसलिए आपको आवाज आनी जो है वो कम हो गई थी। वापस से देखते हैं हैमिल्टोनियन पाथ या हैमिल्टोनियन सर्किट क्या होता है। यहाँ पर जो ये सर्किट है या हैमिल्टोनियन है वो ये कहता है कि आप हर एज को विजिट करें हर वर्टेक्स को विजिट करें। वहां पर था कि पूरा का पूरा ग्राफ होना चाहिए आइलैंड में और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हर वर्टेक्स कवर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मैं देखूं जी ए से आप चले जाएं बी पर, बी से आप चले जाएं सी पर, सी से आप चले जाएं डी पर और डी से चले जाएं ई पर। तो अगर आप देखें तो पूरा का पूरे वर्टिसेस कवर हो गए। तो इसका मतलब है कि इसमें पाथ एग्जिस्ट करता है। कौन सा वाला? ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई। ये आपके पास पाथ एग्जिस्ट करता है। अब देखें क्या सर्किट एग्जिस्ट करता है, तो बिल्कुल सर्किट भी एग्जिस्ट करता है। अगर आप ई से वापस ए को ज्वाइन कर दें तो ये सर्किट भी बन जाएगा। ठीक है, आपने किसी भी एज को एक से वर्टेक्स को एक से ज्यादा बार विजिट नहीं किया। ठीक है, तो ये वर्टेक्स ये आपके पास सर्किट भी है जो कि है ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई और ई से वापस ए। ठीक है, चलिए सेकंड में चेक करें क्या सिनेरियो है, क्या पाथ है और क्या सर्किट है। और ये पाथ और सर्किट की हम बात कर रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं हैमिल्टोनियन। सारे वर्टेसेस कवर होंगे तो पाथ होगा और अगर जहां से आपने शुरू किया है वहीं एंड होंगे तो सर्किट होगा। तो अगर आप यहां पर देखें, अगर आप ए से शुरू करते हैं तो ए से बी पर गए, बी से सी पर और सी से डी पर, बिल्कुल पाथ तो है, सारे वर्टिसेस कवर हो रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा है कि आप वापस ए पर जाके स्टॉप हो जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है। इवन अगर आप किसी भी और नोड से भी शुरू करें तो आप वापस उस नोड तक आके नहीं स्टॉप हो सकते। तो पाथ तो है लेकिन सर्किट नहीं। और पाथ कौन सा वाला है? एक पॉसिबल पाथ ये है ए से बी, बी से सी और सी से डी। ये पाथ आपके और मेरे एंड में डिफरेंट भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जी थ्री में टेस्ट करें क्या पाथ और सर्किट है। जी बेटा, अब आपको मेरी होप आवाज क्लियर आ रही है, ऐसा ही है स्टूडेंट्स? यस मैम। चलिए थर्ड में चेक करें, मुझे बताएं क्या पाथ और सर्किट है। तो यहाँ पर अगर पाथ नहीं होगा तो देयर इज मेजरली अ चांस के सर्किट भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से चेक करती हूँ, मैं अब यहाँ पे मल्टीपल हिट एंड ट्राई करके आपको दिखाती हूँ। मैं अगर ए से शुरू करूँ तो मैं ए से बी पर गई, बी से जी पर, जी से ई पर। अगर मैं एफ की तरफ चली जाऊंगी तो मैं वापस नहीं आ सकती, और अगर मैं इस तरफ चली जाऊंगी तो मैं एफ की तरफ नहीं जा सकती। तो मेरा ये वाला एज कवर नहीं हुआ, वर्टेक्स कवर नहीं हुआ। ठीक है, चले किसी और नोड से शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एफ। तो F से मैं E पर गई, E से G पर, G से B पर, B से C पर और C से D पर, वापस से मेरा ये वाला वर्टेक्स छूट गया। अब अगर आप इसको मल्टीपल जगह से हिट एंड ट्राई करते जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि इसमें ना तो पाथ एग्जिस्ट करे और ना ही सर्किट। देयर इज अ मेजरली अ चांस कि अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सर्किट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ना तो इसमें पाथ है और ना ही सर्किट है। तो जैसे हमने देखा था स्पेसिफिकली आयलर के अंदर आपके पास दो स्पेसिफिक थ्योरम्स हैं जिनसे आप फॉरन से टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये आपको हिट एंड ट्राई से ही पता चलेगा। तो अगर आपका एक नोड से नहीं सॉल्व हो रहा तो आप इसको मल्टीपल नोड से ट्राई करें। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं कंसेंसस पे पहुंच जाएंगे। जी स्टूडेंट्स, याद रखें अगर कोई सवाल है तो क्विकली पूछ लें और फिर बस